हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम खड़े हैं एक इंडियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो ये इसकी चाबी है, कुछ ऐसी दिखती है, सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है। तो हेडलाइट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाते हैं। एंड ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम ग्रिल मिलने वाला है अपर मॉडल जैसा, बस इसमें आपको क्रोम इंसर्ट्स नहीं मिलते। एंड जो फॉग लैंप एरिया है यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया गया है, ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं। एज एन एक्सेसरी आप फॉग लैंप लगवा सकते हैं। जिसमें आपको व्हील्स मिलते हैं, दैट इज़ 15 इंचेस की स्टील व्हील्स, जिसमें आपको सामने डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं। एंड ये व्हील कैप्स के साथ आते हैं। एंड यहाँ पे जो ORVM से वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है बट रिट्रैक्टेबल नहीं है। एंड इंडिकेटर्स भी आपको ORVM पे ही मिल जाते हैं। जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर रहने वाले हैं। ऊपर आपको रूफ माउंटेड एंटीना मिलता है। एंड अगर हम डोर के लुक की बात कर ले तो डोर यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक फिनिश में डोर मिल जाता है विथ फैब्रिक इंसर्ट्स। यहाँ पे आपको डोर पे स्पीकर मिल जाता है अलॉन्ग विथ योर बॉटल होल्डर एंड सम स्टोरेज। स्विच गेज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ पे जो आप एक कार्बन फाइबर की फिनिश देख रहे हैं वो आपका इंटीरियर डिटेलिंग किट के साथ आता है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है। इंटीरियर की लुक की बात करते हैं, आप एक बार होल लुक देख लीजिए। ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है इस कार में आपको, तभी कार के अंदर बैठ जाते हैं। उससे पहले सीट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट मिलती है फॉर द ड्राइवर। तभी सीट को बिल्कुल पीछे कर लेते हैं। एंड इसमें आपको लेदर सीट्स मिलते हैं जो कि एज एन एक्सेसरी लगवाई गई हैं। सीट्स को भी बिल्कुल पीछे कर लेते हैं, तभी कार के अंदर बैठ जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया वाला डी कट स्टेयरिंग मिलने वाला है। इसमें इवन तो आपको कोई भी फिनिश नहीं मिलती बट काफ़ी अच्छा लगता है। लेफ्ट साइड में आपको आपके ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, नीचे भी आपको और ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं सिस्टम के लिए। राइट साइड ब्लैंक दिया गया है, राइट वाला स्टॉक आपके हेडलाइट्स के लिए, लेफ्ट वाला वाइपर्स के लिए। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लुक में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है, जहाँ पर आपको सामने बीच में MID मिलती है, लेफ्ट में टैकोमीटर मिलता है, राइट में स्पीडोमीटर मिलता है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। AC वेंट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड प्लेन लुक में आते हैं, बट इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं वेंट्स को। देन स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है स्टीयरिंग के लिए, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता। देन मूविंग ऑन टू द सेंटर कंसोल, यहाँ पे आपको एक मिल जाता है 2 DIN का ऑडियो सिस्टम जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, FM, रेडियो, CD एंड ऑक्स। नीचे आपको मैनुअल AC मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट एंड ऑक्सिलरी पोर्ट मिल जाता है। एंड एक 2 लूट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे कप होल्डर्स एंड स्टोरेज मिलती है। ये आपका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन विद योर सिल्वर इंसर्ट्स। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेसिंग आपको दी गई है। यानी आपका हैंड ब्रेक है, पीछे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है अगेन। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपका हैंड रेस्ट नहीं मिलता। देन यहाँ पे आपको जो AC वेंट्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आते हैं, ओपन एंड क्लोज भी हो सकता है। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है अगेन, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। बीच में आपको एक हैजर्ड बटन मिल जाता है। एंड जो ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर है, यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। एंड जो को ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ मिरर मिलता है बट लाइट नहीं मिलती। जो रियर व्यू मिरर है वो आपका मैनुअली एडजस्टेबल होने वाला है, ऑब्वियसली डिमिंग फीचर के साथ आता है। एंड यहाँ पे आपको एक सामने लाइट मिल जाती है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट साइज़ का है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, कोई भी कूल फंक्शन नहीं आता। एंड उसके बाद अगर इस कार को एक बार हम ऑन कर लें तो इस कार में आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है जहाँ पे आपको रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं, रेड एंड वाइट में, जिसका MID वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे आपके एवरेज डिस्टेंस, एवरेज माइलेज, डिस्टेंस टू MT एक्सेट्रा। यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं, रेंज भी इसमें आपको दिख जाता है। एंड यहाँ से भी आप डिफरेंट मोड्स को सर्च कर सकते हैं। देन एक बार इसका ऑडियो सिस्टम आपको सुना देते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया वाला ऑडियो सिस्टम मिल जाता है फॉर द प्राइस। यानी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल यूनिट है एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है स्पीकर्स की। ZXI एंड ZXI प्लस में आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे। एंड ZXI प्लस मॉडल में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट उसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं। एंड अभी इस कार के रियर में चलते हैं। तो रियर में चलने से पहले अगर डोर की लुक की बात करें रियर की, तो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है, बिकॉज इसका जो हैंडल है वो बहुत यूनिकली प्लेस्ड है एंड काफ़ी डिफरेंट बनाता है इस कार को अपने सेगमेंट में।
डोर की लुक की बात करें तो ऑल ब्लैक फिनिश में आता है। यहाँ पे आपको कोई भी फैब्रिक इंसर्ट्स नहीं मिलते। बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, पावर विंडो के कंट्रोल्स और क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको। इंटीरियर की बात करें रियर में तो अगेन ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है। मेरी हाइट है 5'10" और अभी स्पेसिंग की बात करो तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा स्पेसिंग है नहीं, ना ज़्यादा लेगरूम है ना नीरूम है। अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे आपको कोई भी रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलती, सिर्फ सामने मिलता है। एंड हेडरूम भी काफ़ी डिसेंट है इस कार में। एंड इसमें आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम इस कार के अब रियर में चल लें तो रियर में आपको सबसे पहले लुक बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत एक बढ़िया लुक मिलता है। रियर में आपको सी शेप्ड LED टेल लाइट्स मिलती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट फीलिंग देती है। ऊपर आपको हाई स्टॉप माउंटेड लैम्प मिल जाता है एंड एंटीना मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलता। अगर बूट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको टोटल में 268 लीटर्स का स्टोरेज मिल जाता है अलॉन्ग विद अ पार्सल ट्रे। नीचे आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि आपका अगेन 15 इंचेस का स्टील व्हील रहने वाला है। एंड उसके बाद अगर हम और फीचर्स की बात करें तो नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड इसमें अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स ABS EBD एंड ब्रेक असिस्ट मिल जाता है। सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स इसमें कॉमन है सारे वेरिएंट्स में, इवन एयरबैग्स भी। एंड इंजन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पहले दो इंजन्स मिलते थे पेट्रोल एंड डीजल, बट अभी BS6 की वजह से इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन रहने वाला है जो प्रोड्यूस करता है 82 BHP एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ARAI अप्रूव्ड 21 के माइलेज मिलते हैं, बट रियल लाइफ में आपको सिटी में 13 से 14 की माइलेज मिलेगी एंड हाईवे में आपको 18 से 20 की माइलेज मिलेगी। इसमें आप या तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ले सकते हैं या तो आपको इसमें 5-speed AMT मिल जाएगा। सो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको 2020 BS6 स्विफ्ट। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसका रिप्लाई कमेंट्स में फॉर श्योर आएगा। टिल देन बाय।